पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले कुकर गैस पर रख दिया है। उसमें मैं अब डालूंगा तेल। तेल के साथ ही मैं इसमें डाल दूंगा घी, और तेल और घी जैसे ही गर्म हो जाते हैं तो मैं इसमें डाल दूंगा जीरा। जीरे के चटकने तक हम वेट करेंगे। उसके बाद अब मैं इसमें डालूंगा हींग। इसमें अब मैं थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दूंगा, उसको मैंने बीच से कट कर लिया था। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ मटर। अब हम इसे 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ सोक किया हुआ बासमती राइस। इसको मैंने आधा घंटे के लिए सोक कर लिया था। चावल को भी हम तेल के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे, इसकी वजह से चावल जो है वो खिले खिले बनेंगे। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और बिरयानी मसाला। सारे मसालों को हम एक बार चावल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद अब मैं इसमें डाल रहा हूँ पनीर। पनीर को मैंने पहले ही शैलो फ्राई कर लिया था। पनीर डालने के बाद एक बार हम हल्के हाथों से चावल को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद अब मैं इसमें डाल रहा हूँ पानी। जितना आपने चावल लिया है उससे 3 गुना से थोड़ा सा कम पानी डालना। अब इसमें मैं डालूंगा नमक। थोड़ा सा नींबू का रस, इसके वजह से भी चावल जो है वो खिले खिले बनेंगे। और इसमें अब मैं डाल रहा हूँ फ्रेश धनिया, और इसे अब हम अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। चावल को अब हम हाई फ्लेम पर 1 सीटी देकर पका लेंगे। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लेना अपडेटेड रहने के लिए। कुकर की 1 सीटी होने के बाद उसे मैंने बंद कर लिया था और उसे अच्छी तरह ठंडा होने दिया। पुलाव जो है वो अब बिल्कुल तैयार है। सर्व करने से पहले आप इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देना। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।